हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है एक्चुअली में वो है कि चुनिए आप अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर और जान लीजिए कि आखिरकार उनके दिल में क्या चल रहा है, लाइक हाल फिलहाल उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो पाइल है बेसिकली। पाइल नंबर वन है हमारे पास, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। पाइल नंबर वन है हमारे पास ए बी सी जी एच आई एम एन ओ एस टी यू वाई, और पाइल नंबर टू है हमारे पास डी ई एफ जे के एल P Q R V W X Z। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी एक फाइल को चूज करना है, बेसिकली उस फाइल को चूज करना है जिसमें आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर है। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर वन से। तो इसको मैं रख देती हूँ, कहाँ रखूँ, यहाँ रख देते हैं पापा के पास। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर वन देख चूज करा है ना, तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्ट आपके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, मेरी थोड़ी सी तबीयत आज खराब है, मैं पहले ही बता दूँ थोड़ी सी तबीयत लूज है, हो जाता है ना, मौसम बदलता है जब, बस कुछ वैसा ही। ओके, तो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फ्रॉम दिस एनर्जी डेक आपके पर्सन की एनर्जीज निकालना चाहती हूँ पहले। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वॉकिंग अवे। चाहे आप लोगों का कम्युनिकेशन है, चाहे आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर द ओनली वन जिसके साथ इनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। ठीक है, आप इकलौते एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, इनके दिमाग में ये चल रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब भी आप दोनों अलग होते हो ना, या जब भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, आप दोनों के रास्ते अलग होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है सिनारियो, तो या तो इस पर्सन के साथ कोई बहुत ही खराब कंडीशन आ जाती है या फिर आपके साथ कोई बहुत खराब कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये सिनारियो मुझे दिख रहा है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, हाल फिलहाल इनको किसी तरीके का आपके बारे में ऐसा पॉजिटिव विचार लाने के बाद इनके लाइफ में कुछ अच्छा अबंडेंस आया है या कोई खुशी आई है। ठीक है, या हो सकता है अभी हाल फिलहाल आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी हो, या इस पर्सन ने आपको स्टॉक किया हो, मतलब कैसे ना तैसे आप लोगों की एनर्जीज एक्सचेंज हुई हैं। जैसे ही आप दोनों की एनर्जीज एक्सचेंज हुई है तो इस पर्सन की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है। अब ये और उस चीज को सोच विचार में पड़ गए हैं कि अच्छा हुआ है, दैट मीन्स शी और ही इज द ओनली वन जिसके साथ मुझे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग एक चीज यहाँ पे देख रहे हो तो कार्ड नंबर 42 एंड 43 बोथ आर देयर, मैन होल्डिंग अ कॉइन ऑल्सो एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ऑल्सो। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस इंसान को ये चीज महसूस होती है। आप कई लोग होते हैं जिनको टिपिकल हिंदी वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होता है, पूरक इंसेंस कि आप दोनों एक दूसरे को सार्थक ओके, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यू कंप्लीट ईच अदर। ओके, तो इस इंसान को ये चीज समझ आ गई है और ये पर्सन आपके लिए कोई अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब सही है, तो ये पर्सन आपको कोई हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ओके, इनके अभी ये थॉट्स ये चल रहे हैं आपको लेकर के, एकदम करंट थॉट्स। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बातें नहीं हैं, या बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इश्यूज, थर्ड पार्टी वुड बी देयर पेरेंट्स
या फिर कोई सच में थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। तो कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी और सर्कमस्टेंसेस सही नहीं चल रहे हैं तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करके सब सही करवाना चाहते हैं, सब सही करना चाहते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जिंदगी में हो तो सब कुछ सही है, अगर आप नहीं होंगे तो इनकी जिंदगी एकदम खराब हो जाएगी। ठीक है, इस एनर्जी में ये अभी चल रहे हैं। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स और हमें पता लगे कि इनकी एग्जैक्ट अभी फीलिंग्स क्या चल रही है। थ्री ऑफ कप्स, सी सेलिब्रेशन कार्ड। हो सकता है इनके घर में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो अभी, ठीक है, किसी की शादी हो, कोई पार्टी हो, किसी को बेबी हुआ हो, मतलब कुछ भी अच्छा सा कोई माहौल है या तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अब आपको लेकर के अच्छा सोच रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी में आके आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, देख लो सारे कार्ड्स वही आ रहे हैं ना जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था। अगर आप लोग टैरो रेगुलर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होगा ही, एनर्जीज भले से आप पिक ना कर पाए लेकिन आपको कार्ड के मीनिंग थोड़े बहुत पता होंगे ही। देखिए, सी लवर्स, माय गुडनेस, ये चीज तो मैं आपको बोल रही थी अभी, ये वाला कार्ड भी लेंगे हम लोग, टेन ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन, आपकी आपकी फीलिंग्स में आपके ऊपर हैंग्ड हो चुका है बंदा, टोटली हैंग्ड। इसका इस डेक को मैं इधर रख देती हूँ साइड में, टोटली हैंग्ड हो चुके हैं आपको लेकर के, हैंग्ड इन सेंस स्टक हो चुके हैं। पहले अगर ये इंसान भागा भागा फिर रहा था ना अपनी चीजों को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के या फिर किसी भी चीज को लेकर, अगर पहले ये भागे भागे फिर रहे थे, एक चीज मुझे और नजर आ रही है यहाँ पे, खैर मैं वो चीज बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ कि अगर पहले ये सिर्फ और सिर्फ भागे फिरते थे अपनी और अदर चीजों को लेकर के तो अब ये भागना बंद कर चुके हैं, ठहर गया है बंदा, ठीक है, ठहर गए हैं, ये रुक गए हैं, इनको समझ में आ गया है कि इनके लिए अब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक इंसान के लिए उसके पेरेंट्स प्रायोरिटी नहीं होते हैं, यस एक्चुअली में 90% उसकी प्रायोरिटी एक इंसान के अपने पेरेंट्स ही होते हैं, वो है तो सब है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, ये मेरे भी थॉट्स हैं और ये इस इंसान के भी थॉट्स हैं। एक्चुअली ये 100% देने की कोशिश करते हैं अपने घर वालों को, ये उनकी अगर इनके घर वाले स्पेशली इनकी मदर, मदर फिगर यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बहुत फील हो रही है, बहुत ज्यादा, शायद इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो है अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और ये ऐसे सोचते हैं कि इन्होंने जो बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकते, ये एनर्जीज भी रहती है इनकी। लेकिन जो चीज मैं यहाँ देख रही हूँ कि अब इनको एक्चुअली में समझ में आने लग गया है कि कौन सही है कौन गलत है और इनको क्या करना चाहिए। पहले इन्होंने बहुत बर्डन क्रिएट किया है आपकी जिंदगी में, मतलब इन्होंने आपको जितना सुखी सुख नहीं दिया है ना उतना तो हद इन्होंने दुख दिया है आपको, ये एनर्जीज है यहाँ पे, और आपने इस पर्सन के लिए इतना किया है जितना किसी ने नहीं किया। मैं ये कहने वाली थी उस वक्त कि आपने जितना किया है उतना किसी ने इनके लिए नहीं किया और इनको उन सब चीजों का रियलाइजेशन है, बट द थिंग इज यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, बट आई एम फीलिंग दैट टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी हेयर ऑल्सो। तो अभी हाल फिलहाल ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, पाइल नंबर वन पीपल होपफुल है इस अबाउट दिस रिलेशनशिप, कुछ अच्छा हो सकता है इनकी लाइफ में, कुछ अच्छा हुआ हो आपको लेकर के। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या फिर आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं, और मुझे थोड़ी सी स्कॉर्पियो एरीज विर्गो एंड जेमिनाई एनर्जी बहुत दिख रही है। एनीवेज, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। एग्जैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या सोच रहे हैं और आज की रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट होने वाली है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट स्टेप प्लीज एंजल्स बताएं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्सन। बाप रे मैंने बोला था ना आप लोगों को, अभी बोला था ना कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे को फील हो रही है, देख लो कार्ड में टू ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आ गया। तो गाइज ऐसे ही नहीं होता है, द थिंग इज एनर्जी बस रीड आउट करना आना चाहिए, एनर्जी पिक करना आना चाहिए। एनीवेज प्लीज एंजल्स बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पर्सन का। Three of Wands, okay.
हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में रहते हो. आप दोनों के बीच में ना फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत दिख रहा है मेरे को. वही कार्ड आ गया. ओके, मुझे खुशी होती है जब मैं जो बोलती हूँ वही कार्ड आ जाता है. ओके, इट फील्स लाइक रीडिंग एकदम परफेक्ट हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आज बहुत लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होगी. बात कुछ ऐसी है कि हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्टेंस में दूर है और अभी फाइनली ये इस विचार इस एनर्जी में रहा करते थे. जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, इस एनर्जी में रहा करते थे ये, एंड अब हाल फिलहाल ये इस एनर्जी को छोड़ करके थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं. ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कंट्री साइड, लाइक बहुत ही हो सकता है दूर रहते हो बहुत ज्यादा, या फिर अभी हाल फिलहाल इनके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है. क्या थॉट चल रहा है, मैं थोड़ी सी लाइट ऑन करती हूँ आप लोगों के लिए अभी, ठीक है ना? तो अभी इनके हाल फिलहाल दिमाग में यही चल रहा है क्या, कि इस डिस्टेंस को खत्म किया जाए और भाग करके आया जाए. ठीक है, इस डिस्टेंस को खत्म किया जाए और भाग करके आपके पास आया जाए. नाउ लेट मी चेक सम मैसेजेस ऑल्सो फॉर यू, और कुछ एंजेलिक एडवाइजेस भी देखेंगे, हम सब देखेंगे आज आपके लिए. तो एग्जैक्ट फीलिंग्स मैंने आपको बताई दी, एग्जैक्ट करना क्या चाह रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया. अब कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम प्लीज टाइमिंग्स भी बताया करें. गाइस, टाइमिंग्स बताना मैं थोड़ा सा इसलिए सही नहीं समझती हूँ क्योंकि टाइमिंग्स आपकी परफेक्टली वही नहीं होती हैं. आप क्या होते हैं ना, जैसे आपको टाइमिंग पता लगी तो आप उस चीज को लेकर के सोच विचार में पड़ जाते हो. ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे यहाँ पे 3 वीक्स नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स. 3 वीक्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स. अब जिन लोगों के लिए 6 महीना आया है वो लोग इतने उदास मत हो जाइएगा. बात ऐसी है कि उनको थोड़े से अपने और परपंजों को खत्म करना भी पड़ेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भाग करके बस आपके लिए आ गए, उन्हें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी. तो हमारे पास पहला मैसेज आया है, लियो की आवाज आ रही होगी आप लोगों को. तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे वो है कि तुम्हें नहीं पता. तो यानी आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये कितने परेशान हैं, आपको मिस करते हैं. ऐसी बात नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं, याद है जब हम थे, याद है आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे. तुम बहुत सुंदर हो, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं. दिल मेरा भी रोता है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि दिल इनका भी परेशान है, दिल इनका भी रोता है, एंड चिंता मत करो. तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपने चिंता नहीं करनी है. ठीक है, चिंता नहीं करनी है, सब सही कर देंगे ये. नाउ लेट मी चेक कि एंजल्स नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं. न्यू जॉब प्लस कार, हो सकता है आप लोग न्यू जॉब या कुछ कार वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो. होप्स प्लस गुडनेस, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होप्स एंड गुडनेस आने वाली है. तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 1 पीपल. जिन लोगों ने ये वाले इनिशियल्स चूज करे थे, आपके पर्सन के इनिशियल्स ये थे, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग. फॉर श्योर बहुत लोगों से होने वाली है. अगर हुई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो. एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे. सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो गो एंड चेक देम ऑल. अपना अपना ध्यान रखिए और इसी एनर्जी में बने रहिए, अपना काम करती रहिए, खुश रहिए, ये पर्सन बहुत जल्दी आ जाएगा आपकी जिंदगी में. ठीक है, चलिए बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, तो अगर आप लोगों ने ये इनिशियल्स चूज करे थे ना, तो ये है आपकी रीडिंग. इसको मैं यहां रख देती हूँ. सबसे पहले आपके पर्सन के कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं. तक लूंगी नहीं मैं इस कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन. ओके, सो एग्जैक्ट अभी करंट फीलिंग्स इनकी क्या चल रही है आपको लेकर के. दे आर इन वेरी मच काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. इनको बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है.
अगर आप लोगों की बातें होती हैं तो भी और नहीं हो रही हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे 50-50 है। कई लोगों के लिए आप दोनों का कम्युनिकेशन अभी ऑन है, कई लोगों के लिए अभी आप दोनों का कम्युनिकेशन ऑफ है। ठीक है, जिन लोगों के लिए ऑन है उनके भी बता देती हूँ, उनके पर्सन को ये लग रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, सोच विचार पे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। और हो सकता है आपके पर्सन का कोई एग्जाम आ रहा हो या फिर आपका कोई एग्जाम आ रहा हो, आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है जितनी एक्चुअली में होनी चाहिए एक खुशहाल रिश्ते के अंदर। कई लोग मुझे यहाँ पे मैरिड भी दिख रहे हैं, पाइल नंबर टू पीपल। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कि पहले के जैसा माहौल नहीं है, अब सब जैसे बदल गया हो। एंड दूसरी चीज, गार्डन एंड गेट का भी कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अपने आप को किसी तरीके के पिंजरे में महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज में मेरे को फंसा दिया है। ठीक है, अब कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर के भी ऐसा सोच रहे हैं कि इसने मेरे को फंसा दिया है, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नो कम्युनिकेशन में है तो वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यार वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन फिर भी अपनी एक फुल स्ट्रेंथ, एक फुल एनर्जी के साथ अपने करियर के ऊपर लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के पर्सन के एग्जाम्स वगैरह कुछ हो सकते हैं या आपके एग्जाम्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज एनर्जी इज बिकम वाइस वर्सा ना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आप लोग लगे पड़े हो काम के अंदर, लगे हुए हो आप लोग अपने करियर के अंदर। यू गाइज आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा इन सेंस पॉजिटिव, अच्छा इन सेंस करियर को लेकर के बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ऐसा थॉट नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों के दिमाग में ये थॉट है कि अभी इस चीज को मुझे सही कर लेना चाहिए, और यही आपके पर्सन का थॉट है। बहरहाल एनी वेज, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में पुराने थॉट्स को भी ला करके रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं तो ये इंसान सोचने की कोशिश कर रहा है कि आप सही थे उस कंडीशन में या फिर ये इंसान सही था। एक्चुअली मैं इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सही रहेगा आगे चल करके, कुछ अच्छा इनको क्रिएट करना चाहिए अपनी लाइफ में या फिर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, इनके दिमाग में ये भी चल रहा है। ठीक है, तो टोटली कंफ्यूज है पर्सन, आपकी एनर्जीज को लेके भी कंफ्यूज है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे चिड़ी हुई सी एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के चिड़े हुए से भी हैं। ये ऐसा कैसे कर सकती है या ये ऐसा कैसे कर सकता है, इस तरीके की एनर्जीज भी है। सी एट ऑफ कप्स का कार्ड है, भाग जाना चाहता है टोटली। जैसे कि मैंने बोला ही था कि अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है और पहले जैसा नहीं है तो इनके दिमाग में ये है कि यार भाग जाऊं मैं इस रिश्ते से। सी टावर का कार्ड है यहाँ पे, बैगेज फील कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की कोई बातें नहीं है, काफी समय से आप लोग तनहा तनहा से हैं, वो कहीं है आप कहीं हो, तो ये अब अपनी उस कंडीशन से भाग जाना चाहते हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स हियर, बिकॉज पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों के कार्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कई लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन ऑन है, कई लोगों के लिए ऑफ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन चाह रहा है अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपके पास भाग करके आ जाना, और अगर कम्युनिकेशन में है तो भाग करके आपसे दूर चले जाना। टावर का कार्ड है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का चल रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेनिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, सी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेनिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेनिकल्स। हो सकता है आप लोगों को 515 बहुत दिखता हो, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को 555 बहुत दिखता हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं देन ट्रस्ट मी, यस दिस पर्सन इज थिंकिंग अलॉट अबाउट यू। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है तो, कम्युनिकेशन में है तो बंदा टोटली भाग जाना चाहता है, बस इस रिश्ते से भाग जाना चाहता है, इसको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, मैं चलूं तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। देन हमारे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, और मैं एक कार्ड और निकालूंगी। प्लीज एंजल्स बताएं इस इंसान की नेक्स्ट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, दो नई चीजें आ गई। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ पीपल है।
अगर आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल आपसे कम्युनिकेशन में है तो ये इंसान भाग जाना चाहता है, साफ सी बात है, टू ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, लाइक छोड़ छाड़ के चले जाना चाहता है। और अगर अभी कम्युनिकेशन में ये पर्सन जो है नहीं है आपके साथ, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप जैसा इंसान इनको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। यू आर द वन एंड यू आर द ओनली वन जिसके साथ इनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि बस अब कैसे ना तैसे कर कर आ करके ना इस इंसान को आपके साथ ही होना चाहिए और अपनी लाइफ को एक नए मोड से स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है ये इंसान आपको नेक्स्ट एक्शन इनका ये होगा कि आपको कम्युनिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं या फिर शादी के लिए बोल सकते हैं। और जो लोग अभी हाल फिलहाल कम्युनिकेशन में है उनसे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको इग्नोर करना शुरू कर दें या फिर ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर दें। ठीक है, सो थोड़ा सा संभल के इनके मैसेजेस क्या है देख लेते हैं। आई मिस यू, तो देख लो ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में आप लोग, तो दिल मेरा भी रोता है तो इनका भी दिल रोता है भाई। ठीक है, आप ही नहीं हो अकेले जो परेशान हो। देन आई होप सब सही हो, तो ये होप कर रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाए इनका। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। नाउ लेट मी चेक एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। लव एंड लाइट, होप प्लस गुडनेस, यानी कि आपको होप्स गुडनेस मिलेगी इस रिश्ते के अंदर, लव भी मिलेगा लाइट भी मिलेगी, हैव फेथ। ओके, तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।